नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्राकर स्वागत करता हूँ आपका फ्लाह एकेडमी भोपाल में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अस धातु। अस धातु क्या होती है? सबसे पहले तो ये जो धातु होती है वो आपकी परस्मयी पदी होती है। क्या होती है? आपकी परस्मयी पदी, ठीक है ना। अब परस्मयी पदी धातु होती है अस, और इसका मतलब होता है होना। क्या होता है इसका मतलब? होना। इंग्लिश में कहेंगे तो टू बी, कोई चीज़ होती है। जैसे वह राम है, श्याम है, तो होना। तो ये धातु जो है इसका यूज़ हम किस में करते हैं? कोई चीज़ जब हो रही होती है उसमें। तो ये होना, ये पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा, सब जगह होगा। तो इसलिए हम इसको पांचों के पांचों लकार में इसका उपयोग पढ़ेंगे। तो चलिए, अब हम सबसे पहले जो हम लकार लेते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है अपना, जी हाँ, आप सब जानते हैं लट लकार। लट लकार को क्या कहा जाता है? वर्तमान काल कहा जाता है या फिर प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको कुछ भी चीज़ पढ़ना है तो आपको वचन, पुरुष और लिंग, वचन, पुरुष और लिंग तीनों की बहुत ज़्यादा जानकारी होना चाहिए, जो कि आपको है भी। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पुरुष और द्विवचन, एक वचन और बहुवचन, मतलब कि आपको पुरुष और वचन में डील करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पुरुष, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इसको फॉर्मूले को देखो, ये जो धातु है अस धातु है, तो ये क्या हो जाती है आपको देखना है। ये लट लकार में अस्थि, क्या है ये? एक वचन में अस्थि, द्विवचन में स्थ और ये संति, मध्यम में असी, स्थ और स्थ, और इसमें अस्मि, स्व और इसमें, जैसे एक वचन में, जैसे शाह, मतलब ये जो एक वचन है आपको पता है लट लकार है, तो इसमें ये जो शाह यूज होगा, क्या यूज होगा आपका? शाह। वो किसके साथ यूज होगा? शाह अस्ति, क्या हो जाएगा? शाह अस्ति। और अगर मेरे को साथ तव यूज करना है द्विवचन के साथ, तो हो जाएगा तव स्थ, और अगर ते मतलब बहुवचन तो संति, होगा कि नहीं होगा। और अगर मैं मध्यम पुरुष की बात करूँगा तो तुबम, तुबम के साथ क्या आएगा? तुबम के साथ असी आएगा। और अगर युवाम के साथ क्या आएगा? ओबेस ही बात है, युवाम के साथ स्थय आएगा, और यूयम के साथ स्थय आएगा। और अगर अहम, अहम के साथ क्या आएगा आपका? अस्मि। और अयम, आवाम के साथ क्या आएगा आपका? स्व। और स्मय के साथ यानी कि आपका यू, अयम आवाम वयम, तो वयम के साथ क्या आएगा आपका? इसमें। तो समझ गए हम, अस्ति, स्थ, संति, असि, स्थ, इसत, अश्मि, अश्वः, स्वः। ये था आपका वर्तमान का लट लकार। अब हम आते हैं किस पे? अस धातु लंग लकार। लंग लकार को बेसिकली सामान्य भूतकाल कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टोटल 10 लकार होते हैं। तो इसमें से जो पास्ट परफेक्ट टेंस भी होता है, जिसको लिंग लकार कहा जाता है, लिट लकार भी होता है, तो वो सब पास्ट टेंस होते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो लंग लकार का करते हैं, तो इसमें इसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो इसमें जो अस धातु वो क्या हो जाएगी? आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आसत, आशम, आसव, आसम। इसका मतलब है कि एक वचन शाह के साथ क्या आएगा? आसीत, और तव के साथ आस्तम, और ते के साथ आसन, और यहाँ पर तुबम के साथ आसी, तुबम, यूबाम के साथ क्या आएगा आपका? आस्तम, और यूयम, यूयम मतलब वे, तुम सब के साथ आएगा आसत, अयम मतलब मैं के साथ आएगा आसम, और आवाम यानी कि हम दोनों के साथ क्या आएगा? आशव, और वयम, वयम मतलब वयम माना हम सब के साथ क्या आएगा? आसम। तो ये था अस धातु का उपयोग सिंपल पास्ट टेंस मतलब कि लंग लकार भूतकाल में। अब हम आते हैं अस धातु का उपयोग लिट लकार में, जिसको हम भविष्यकाल भी बोलते हैं। भविष्यकाल तो आप जानते ही हैं, भविष्यकाल का मतलब होता है आपका फ्यूचर टेंस। तो ये अब आप यहाँ पर ये चीज़ सबसे ज़्यादा यही समझने वाली बात है कि अस धातु है, लेकिन भविष्यकाल में अस धातु का ही अस की तरह ना करके भव का यूज करते हैं। आपको पता होगा भव और अस दोनों का ही मतलब होना ही होता है। तो अस धातु जो होती है, अगर भले ही अस लिखा हो, लेकिन आपसे कह दें कि भैया आपको भविष्यकाल फ्यूचर टेंस में इसको लिखना है, तो आप भविष्यति लिखेंगे, अशिष्योति नहीं लिखेंगे। तो ये चीज़ ही सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करती है कि सर यहाँ तो अस का बोला था और भव धातु क्यों उपयोग हो रही है? क्यों? क्योंकि दोनों का मतलब ही क्या होता है? होना होता है। तो भविष्यकाल में लट लकार में आपका अस धातु की जगह भव धातु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोनों का मतलब ही सेम होता है।
तो भविष्यति, भविष्यते, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यते, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावे, भविष्यामि। अब आपको पता ही है कि क्या बन रहा है, बिल्कुल आपका जो लट लकार का फार्मूला इष्यति, इष्यते, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यते, इष्यत, इष्यामि, इष्यावे, इष्यामि, उसमें बस भव जोड़ दिया जाता है जो कि भव धातु का है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि अस धातु का प्रयोग ना करके भव धातु का प्रयोग किया जाता है जब आप फ्यूचर टेंस भविष्य काल की बात कर रहे हो, सिर्फ इसी में ही, यही ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लट लकार के बाद आपका आता है लोट लकार। अब लोट लकार में आपको अस धातु का ही प्रयोग होता है, यहाँ पर भव धातु का नहीं करते, सिर्फ भव का यूज सिर्फ भविष्य में ही करते हैं। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, अस का यूज भव की जगह भविष्य काल में करते हैं, अस का यूज भव की, अस का यूज भव की जगह, मतलब अस का यूज, मतलब अस की जगह भव का यूज भविष्य काल में करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लोट लकार में अस धातु का क्या फार्मूला होगा, अस्तु स्ताम संतु एधि स्तम स्त, मतलब एक वचन आएगा तो अस्तु, द्विवचन है तो स्ताम और बहुवचन है तो संतु, एधि स्तम स्त आसानी आसव आसम। तो गाइज ये आपका अस धातु लोट लकार हो गया, इसको आपको रट लेना है, रट लेना है, क्योंकि रटेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब आपका अस धातु विदिल्य लकार, विदिल्य लकार क्या होता है, इसमें चाहिए अर्थ की बात होती है, यहाँ पर चाहिए आ रहा, उसको खाना खाना चाहिए, उसको गाना गाना चाहिए, उसको पागल हो जाना चाहिए। तो जब हम यहाँ पर होने वाली बात हो रही है, अस धातु का यूज हमेशा होने में करते हैं, इंग्लिश में कहें तो टू बी में करते हैं, इसलिए यहाँ पर होने का सेंस बनेगा वहाँ पर होना और साथ में चाहिए का, तो अस धातु का प्रयोग आप कर सकते हैं, उसको पागल हो जाना चाहिए, उसको सही हो जाना चाहिए, उसको मतलब कोई चीज़ हो जाना चाहिए, उसको लड़का हो जाना चाहिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो इसमें इस्यात, इस्यताम, इस्यहु, इस्यहा, इस्यतम, इस्यात, इस्याम, इस्याव और इस्यहा। तो ये आपको रट लेना है, रट लेना है। अब आप सब लोग लिख लीजिए, भले ये पूरा पूरा विदिलिन लकार लिख लीजिएगा पॉज करके, ये आपका लोट लकार लिख लीजिएगा पॉज करके, ये आपका लट लकार लिख लीजिएगा पॉज करके, सॉरी लट लकार, और ये आपका लंग लकार लिख लीजिएगा पॉज करके, और ये आपका लट लकार लिख लीजिएगा पॉज करके। सभी लकारों को लिख कर याद कर लीजिएगा, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप लोग नए हैं तो। और हाँ, आप अपने दोस्तों के साथ इसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी तो केयर होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।